बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं सूरतुल निसा जो है इसकी जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशन जो है वो हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं कि ये जो नोट्स हैं ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ज़रिए से ये आप नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी मुंतखब आयात हैं उन तमाम का वर्ड टू वर्ड तर्जमा और बा मुहावरा तर्जमा जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आप इसकी वीडियो वर्ड टू वर्ड तर्जमे के साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट है जी के ज़खीरा अल्फाज जो है इनके आप मायने बताएं। तो हमारे पास ये पूरा एक टेबल दिया गया है, आप इस पूरे टेबल को जो है वो तैयार करें, इन्हीं में से जो है वो आपके पेपर में MCQs में से और शॉर्ट क्वेश्चन में से जो है वो सवालात पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी मशकी जो है वो सवालात हैं, तो इनके जो है वो जवाबात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इनके जवाबात जो हैं वो कौन से हैं। तो हमारे पास पहला है जी सवाल नंबर एक कि आप जो है वो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला सवाल हमारे पास दिया गया है सबे तूल में शामिल है, तो ये हमारे पास सूरतुल निसा जो है ये इसमें शामिल है। दूसरा हमारे पास सवाल दिया गया है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात के बदले में अता की गई है, तो सूरतुल निसा के बदले में सूरतुल निसा जो है वो तौरात के बदले में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। तीसरा हमारे पास जो सवाल है वो है जी हुकूकुल्लाह में सबसे अहम हक जो है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास नमाज की पाबंदी है। तो चौथा हमारे पास सवाल है हुकूकुल इबाद में शामिल है, तो हुकूकुल इबाद जो है उसमें शामिल है लोगों के साथ जो है वो आप रिश्तेदारों के लोगों के साथ हुस्ने सलूक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है। पाँचवें जी यतीम बच्चों की कफालत का हुक्म दिया गया है, तो यतीम बच्चों की कफालत का हुक्म सूरत निसा के अंदर जो है वो दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं जी मशकी जो है वो मुख्तसर सवालात कौन से हैं, तो हमारे पास मशकी मुख्तसर जो सवालात है वो पहला दिया गया है सूरत निसा के फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का जो है वो आप तर्जमा लिखें। तो ये हमारे पास इस हदीस का जो है वो इस सवाल का जो है जवाब दिया गया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जी हमारे पास सूरत निसा के बाहमी अमन व सुकून में रहने वाले दो असूल तहरीर करें, तो पहला ये है दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से ना खाया जाए और किसी को ना हक कत्ल ना किया जाए। तीसरा हमारे पास सवाल है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है, तो हुकूकुल्लाह से मुराद वो हुकूक है जिनका तल्लुक अल्लाह ताला से है और हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक हैं। चौथा हमारे पास इस सूरत में सवाल दिया गया है सूरत निसा की रोशनी में औरतों के कोई से तीन हकूक बयान करें, तो पहला है जी हक महर की अदाई, विरासत में औरतों का हिस्सा और हुस्न सलूक। पांचवा और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है सूरतुल निसा का मरकजी मौजू क्या है, तो सूरतुल निसा का मरकजी मौजू जो है ये हमारे पास दिया गया है। उसके बाद हमें सवाल नंबर तीन के अंदर कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं, ये अल्फाज मायने सारे के सारे जो हैं ये आपको उसी टेबल में से दिए गए हैं, तो आप उस पूरे टेबल को याद करें तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सवाल नंबर चार, जिसमें कुरानी आयात जो है इनका बा मुहावरा जो है वो उन्होंने तर्जमा पूछा, इसकी तशरीह नहीं पूछी। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसका जो है वो आप जो है वो किस तरह से जो है वो इसकी तशरीह करेंगे, तो तशरीह इसकी नहीं करनी, इसका सिर्फ तर्जमा करना है। तो ये वही मुंतखब आयात हैं जिनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सारी आयात जो है उनको तैयार करें। आगे हमारे पास सवाल है जी सूरत निसा के बुनियादी मजामीन जो है वो तहरीर करें, तो ये हमने पहली वीडियो के अंदर सवाल जो है ये सवाल नंबर दो और इसके अलावा सूरत निसा का जो तारुफ वाला सवाल है वो हमने दोनों जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी मुकम्मल जो वीडियो है ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं, जिसमें जो आपके पास बयान किया गया सूरत निसा का तर्जमा पढ़ें और बयान करदा मशरती अहकाम चार्ट पर लिख कर आप जो है वो क्लास रूम में जमात में जो है वो वेज़ा करें। ये हमारे पास इसके जो है वो पॉइंट्स आठ जो है वो इसमें से निकाले गए हैं। उसके बाद हमारे पास है सूरत निसा की रोशनी में विरासत की जो है वो आप कवानीन वगैरह जो है काम वो भी चार्ट पर लिखे हैं, तो ये हमारे पास विरासत जो है उसके भी कवानीन दिए गए हैं। ये तमाम के तमाम जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें उसमें जो है वो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा इस सूरत के जो एक्स्ट्रा हमारे पास बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं MCQs हैं वो भी सारे के सारे जवाबात के साथ, ठीक है जी, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उससे जो है वो इन तमाम वीडियोस को जो है तमाम नोट्स जो हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं।